हेलो एवरीवन, माय नेम इज पायल मल्होत्रा। मैं क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कराने वाली हूँ, तो मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगी। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि 11th क्लास के अकाउंट्स के सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, यानी कि एक सिंपल सी एक सिलेबस का ब्रेक डाउन कि सिलेबस में क्या क्या है हमारे। आज हम बस इतना देखेंगे। बाकी मैं एक चीज आपको बता दूं कि कॉमर्स लाइन ऐसी है, ये एकदम डिफरेंट लाइन है। आप जब 10th तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप वो काम नहीं आएगा, एकदम न्यू फील्ड में आप जाने वाले हो। बट अगर मैं दूसरी स्ट्रीम्स की बात करूँ, आर्ट्स की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सीख के आए हैं उसमें और अपग्रेड करेंगे 11th में आके 12th में आके। बट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली क्लास 11th में एकदम डिफरेंट फ्लो स्टार्ट होगा, एकदम डिफरेंट चीजें आप सीखोगे। आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा, नए टर्म्स को आप सीखोगे। ये समझ लो कि क्लास 11th 12th में आप एक नॉर्मल सी कॉमर्स की, बिजनेस की, या फिर बोलो अकाउंट्स की ABCD सीखोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप आगे जो भी कोर्स परस्यू करोगे उसमें आप उसमें स्पेशलाइजेशन में जाओगे तब आप उसमें काफी चीजें सीखोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ब्रेक डाउन देखते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस में हमारे दो चीज में इसे ब्रेक किया हुआ है। फर्स्ट इज थ्योरी एंड द सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्ट। ये आपको पता है, आप फाइल्स वगैरह बनाते हो तो ये आपको अच्छे से एक्सपीरियंस है। तो थ्योरी आपका 80 मार्क्स का है, यानी कि सिंपल सी बात, जो पेपर आपको जिसपे आपको परफॉर्मेंस देके आनी है, आपको पेपर लिख के आना है, दैट इज फॉर 80 मार्क्स एंड योर प्रोजेक्ट फाइल विल बी 20 मार्क्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फाइल्स को तो हम कर देते हैं साइड में। अब बात आई थ्योरी को हम दो पार्ट में बांटेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो पार्ट ए में यूनिट 1 है, दैट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें आप सब लोग बस ये सीखोगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों मतलब आई, इससे क्या एडवांटेजेस है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब सिंपल सी। और अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने इसकी क्या डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की, ये चीज आप इस पार्ट में सीखोगे। एंड दिस कवर्स योर 12 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। नेक्स्ट है यूनिट 2, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अभी जो भी कुछ नए वर्ड्स में यूज करूंगी आपको नहीं समझ आएगा, आपको लगेगा एकदम नया है, सच में एकदम नया है। धीरे धीरे हम एक एक वर्ड को डिफाइन करते हुए चलेंगे, एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। सो अकाउंटिंग प्रोसेस में कि जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो दीज आर द प्रोसेस जिसको आप सीखोगे अपनी क्लास 11th के सिलेबस में। सो दिस कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, गॉट इट। एंड द नेक्स्ट जो पार्ट बी है इसके अंदर आता है, अब आपने अकाउंटिंग सीख ली है, ये समझ लो कि आपने एक बेसिक वर्जन अकाउंटिंग का सीख लिया है, आप रिजल्ट पे जा सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट बी आपका। इसमें भी आप पार्ट बी में देखोगे तो सबसे पहले है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, कोई भी बिजनेस है, आप बड़ी कंपनी को ले लीजिए, रिलायंस है, ITC है, या फिर विप्रो है, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। आई नो दीज वर्ड्स आर वेरी न्यू, आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है इन वर्ड्स का मतलब क्या है। आप सिंपल ये समझ लीजिए कोई भी बिजनेस एग्जिस्टेंस में क्यों आता है, इसलिए कि प्रॉफिट कमाए, ताकि हमें प्रॉफिट हो। तो इस प्रॉफिट को कैसे पता लगेगा, अगर मान लो मेरा रिलायंस का बिजनेस है, पेट्रोल का बिजनेस है, मान लो गुड्स का बिजनेस है, कुछ भी है मेरा, तो मुझे तो देखना पड़ेगा ना मेरा प्रॉफिट कितना आएगा। वो अगर मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी, उसको इंटरप्रेट नहीं करूंगी, उसे एनालाइज नहीं करूंगी, तो मेरे को कैसे पता लगेगा मैंने इस साल में क्या प्रॉफिट कमाया है, मैंने जब से बिजनेस शुरू किया मैंने क्या प्रॉफिट कमाया है। सो फाइनली ये सारी प्रोसेस सीखने के बाद हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज 20 मार्क्स कवर करेगा ये आपका 80 मार्क्स में से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे, इवन पूरे सिलेबस को बहुत ध्यान से करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो पार्ट आता है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, एंड ये है 8 मार्क्स का। अब आप सोचो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग मतलब कंप्यूटर एकदम अलग चीज है, अकाउंटिंग अलग है, बट गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर हम इसको मैनुअल रिकॉर्ड करने लगेंगे तो पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड कर पाना। सो कंप्यूटर का यूज किया जाता है, हर जगह सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो आपको सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं और उस कंप्यूटर को किस तरह से अकाउंटिंग में यूज किया गया है, आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कह सकते हो कि आप अकाउंटिंग कर सकते हो।
सो कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग ये चैप्टर भी बहुत जरूरी है। इवन आप जब आगे सीए कोर्स या कोई भी बड़ा कोर्स कॉमर्स लाइन में परस्यू करेंगे आप देखोगे वहां पे भी ये चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे लेवल छोटा होगा, वहां पे थोड़ा लेवल बड़ा होगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस ब्रेकडाउन जो आज हमने इस वीडियो में देखा। इस पर्टिकुलर वीडियो में बस यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11 का बिल्कुल फ्रेश एकदम अकाउंट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर हम चलेंगे, आपकी क्वेरीज को मैं लूंगी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।